लेकिन हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ थ्रेट्स हैं, बी केयरफुल। जनाब, शाहमीर और शिब्रा की शादी तो हो ही चुकी है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि अब शाहमीर सिकंदर को पॉलिटिक्स में उलझाया जाएगा ताकि शाहमीर और शिब्रा के दरमियान दूरी पैदा की जाए। और जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि शाहमीर सिकंदर के वालिद दाऊद सिकंदर ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया है और अब शाहमीर को सियासत में उलझा दिया है और उसे पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया है। पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद शाहमीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि शिब्रा को बिल्कुल भी सही नहीं लगी। और शाहमीर के घर आने के बाद शिब्रा ने उसे इन बातों पर डिस्कस भी किया और उसे यही कहा, तुम्हें सच का साथ देना चाहिए, ये झूठ का नहीं। यहाँ पर शाहमीर और शिब्रा के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हुए और यहाँ हमने देखा कि शाहमीर के वालिद अपनी चाल में कुछ कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाली इसकी एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरह हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि शाहमीर जब भी शिब्रा के साथ बाहर जाता है तो वहां पर भी कुछ लोग उसे डराने और धमकाने आ जाते हैं और शिब्रा इस चीज से खौफजदा हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन चीजों की आदी नहीं है और वो शख्स भी कोई और नहीं बल्कि दाऊद सिकंदर का ही भेजा हुआ होगा यकीनन, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि शिब्रा और शामिर एक दूसरे से अलग हो जाए और शिब्रा किसी न किसी तरह डर के घबरा के शामिर का साथ खुद छोड़ दे। और उनकी यही चाल बहुत ज्यादा आगे काम करने वाली है, क्योंकि आगे आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर शामिर का जो सबसे खास बॉडीगार्ड सफदर था दाऊद सिकंदर उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं और अब वो उसे मारने की कोशिश करेंगे। और आने वाली एपिसोड में ही जब सफदर शिब्रा को लेकर कहीं निकलेगा तो उस पर हमला करवाया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। शिब्रा को ये सारी चीज़ें हमेशा से बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि दाऊद सिकंदर इसी किस्म का शख्स है और वो बेगुनाह लोगों को इसी तरह बेदर्दी से मार दिया करता है। तो ये चीज़ भी शिब्रा को ही यहाँ से हटाने के लिए, शामिर की ज़िंदगी से निकालने के लिए की जाएगी, ताकि शिब्रा डर जाए, घबरा जाए और शामिर की ज़िंदगी से खुद चली जाए। और यही प्लान दाऊद सिकंदर और हारून बेग का है और उन दोनों ने मिल के ही इस प्लान को बनाया है और अब उन्होंने शाहमीर को सियासत में उलझा दिया और शिब्रा के सामने वो कुछ इस किस्म की बातें लेकर आते रहेंगे ताकि शिब्रा शाहमीर से और इस पार्टी से बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाए और शाहमीर को छोड़कर चली जाए और उनका ये प्लान कामयाब हो जाए। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में कुछ इसी तरह की चालें दिखाई जाएंगी और यहाँ पर हम देखते हैं कि शामिर किस तरह से शिब्रा को इन सारी चीज़ों को लेकर चलता है और शिब्रा को समझाता है और शिब्रा किस तरह से बिहेव करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जो तू कहे।